हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको काफल के बारे में बता रही हूँ। तो कहीं पे इन्हें काफल कहा जाता है और कहीं पे इन्हें गोरी फल भी कहा जाता है। तो मैंने टोकरी में ये भर के निकाले हैं। अक्सर ये गर्मियों के मौसम में होते हैं, तो जैसे दिखने में लग रहे ना अच्छे, वैसे टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा खट्टा मीठा होता है, तो बहुत टेस्टी होते हैं। और जो मैं इसमें जो नमक मिला रही हूँ, मैंने ये अपने घर से बनाया हुआ नमक है। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च और जीरा भून के मैंने ये मसाला तैयार किया हुआ है। और इसके ऊपर मैं 2 चम्मच सरसों का तेल मिलाऊंगी। सरसों के तेल के साथ मिला के और नमक के साथ मिला के जब हम इसको खाएंगे तो अच्छे से ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो अक्सर इनको ऐसे ही इस तरह से ही नमक और तेल मिला के खाया जाता है। ये बहुत टेस्टी होते हैं और मीठे होते हैं। मैं इसको इस तरह से मिला रही हूँ। चम्मच की सहायता से अच्छे से नहीं मिल पा रहा था इसमें नमक, तो मैं हाथ से इसको अच्छे से मिला रही हूँ नमक इसमें। तो आप, मुझे लग रहा ज़रूर आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा देख के। तो जिन लोगों ने ये काफल खाए हैं उन्हें तो इनका टेस्ट पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं खाए हैं वो ज़रूर गर्मियों के मौसम में पहाड़ों में आके इन काफलों का टेस्ट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो जो बीच बीच में से मैं ये काले काले दाने निकाल रही हूँ ना, ये तो खाने में और भी मीठे होते हैं। इतने रसीले काफल हैं, देख के ही लग रहा है ना कितने टेस्टी होंगे। तो आप लोग भी ज़रूर खाएं और इस मौसम में, गर्मी के मौसम में ज़रूर काफलों का लुत्फ उठाएं। तो आपका मन भी देख के खुश हो गया होगा काफल देख के। तो मैंने ये एक कटोरी भर के निकाल लिया है खाने के लिए। और मैं दोस्तों इसमें से बताना चाहूँगी आपको कि जो बीच बीच में से जो काले दाने हैं ना काफल के, ये तो और भी मीठे होते हैं। ये ज़्यादा पके हुए हैं इसलिए ज़्यादा पकने के कारण काले हो चुके हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो देख के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।